क्लास 11 कंप्यूटर साइंस कोड है जिसका 083 हाँ जी फिर से आगाज हो चुका है आपकी शुभा मैम और आपका मागर बेन्स आप सबके लिए लेकर आ चुका है क्लास 11 कंप्यूटर साइंस कोड जिसका है 083 चैप्टर नंबर वन कंप्यूटर सिस्टम का एक और अनंदा एक्साइटिंग धांसू वासुसा चैप्टर नहीं मैम चैप्टर तो एक ही चल रहा है टॉपिक की बात कीजिए जी हां चैप्टर है हमारा कंप्यूटर सिस्टम उसका बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक में लेकर आपके सामने प्रेजेंट हो चुकी हूँ डेटा डिलीशन एंड रिकवरी क्या होता है डेटा को डिलीट करना और डिलीट करने के बाद चाहे वो जानबूझ के किया गया हो या अनजाने में उस डिलीटेड डेटा की रिकवरी करना जी हाँ मैम हमारे इंटरेस्ट का टॉपिक है ये तो तो भाई ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं किसके बाद डेटा को कैप्चर स्टोरेज और रिट्रीव करने के बाद भाई डेटा को कैप्चर किया हमने उसको स्टोर कराया इन सिंपल मेमोरी या फिर कह लीजिए डेटा सर्वर्स में और फिर उसको रिट्रीव भी कराया है यूजिंग अप है बात की नहीं और डेटा रिट्रीवल में हमने मिनिमाइज डेटा एक्सेस टाइम के बारे में भी जाना था कुछ ऐसा पॉइंट था जो आपको बुक में नहीं मिलेगा लेकिन मैंने वो आपको इसलिए बताया जिससे कि आपका लॉजिक क्लियर हो सके प्रीवियस हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं वो किसी ना किसी तरीके से इस तरीके से ही डिजाइन किए जाते हैं कि आप आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स पढ़ें उन प्रीवियस टॉपिक्स से हमेशा इंटरलिंक्ड ही मिलने वाले हैं जिससे कि आप किसी भी टॉपिक को लाइटली नहीं लें तो भाई आज का जो टॉपिक है दैट इज डेटा डिलीजन एंड रिकवरी ये भी हमारे प्रीवियस टॉपिक से जिसका नाम था डिलीशन नहीं डेटा हाँ डेटा कैप्चर डेटा स्टोरेज एंड डेटा रिट्रीवल इस टॉपिक से ही कही न कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है तो भाई अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए देखने के बाद आप वापस जा सकते हैं मेरी इंटायर प्लेलिस्ट में जहां पे मैंने पूरे टॉपिक्स को अच्छे और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी तरीके से मेंशन किया हुआ है तो शुरू कर दें डेटा डिलीशन एंड रिकवरी डेटा को डिलीट करना क्या मतलब होता है किसी चीज़ को डिलीट करना कहीं अगर ये चीज़ लिखी मिल जाए कहीं अगर ये चीज लिखी मिल जाए कि भाई डिलीट करना है क्या करना है भाई लोग क्या करना है डिलीट करना है तो भाई डिलीशन में क्या आता है माइंड में कि भाई डिलीट करना है अब डिलीशन कभी जानबूझ के भी कर सकते हो किसी चीज का कोई एक ऐसी फाइल थी कोई एक ऐसा डेटा था जो आप नहीं चाहते थे कि कोई अदर इंसान देख सके कि आपने इस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस किया है आपने उसको डिलीट कर दिया या फिर आप नए नए कंप्यूटर पर बैठे हैं नया नया आपने कंप्यूटर चलाना सीखा है और एक बहुत ही सेंसिटिव फाइल थी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल थी और धोखे से वो आपसे डिलीट हो गई है बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम इन दी मोर एफिशियंट वे यहां तक कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं वी आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स अगर मैं एक बहुत एफिशेंट कम्प्यूटर सिस्टम यूज़र भी हूँ मुझे बहुत अच्छे से कंप्यूटर सिस्टम चलाना आता भी है उसके बाद भी मिस्टेक्स सबसे हो सकती हैं हो सकता है कि आप अपने सिस्टम पे कुछ काम कर रहे हो और काम करते करते आपकी ममा या आपकी फैमिली मेम्बर में से किसी ने भी आपको डिस्टर्ब कर दिया हो इन एनी वे और धोखे से कोई चीज़ आपसे डिलीट हो गई हो जो आप नहीं भी करना चाहते थे डैन टू डेन टू यूर अ वेरी गुड कंप्यूटर सिस्टम यूजर तो ऐसा भी हो सकता है तो भाई इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में डेटा किसी न किसी हालात में आपसे डिलीट हो सकता है चाहे वो आपने जानबूझ कर किया हो या फिर अनजाने में तो भाई अगर डेटा डिलीट हो गया और बहुत ही सेंसिटिव फाइल थी तो कुछ तो ऐसे तरीके होंगे कुछ तो ऐसे मेजर्स होंगे जिनकी हेल्प से आप अपने डिलीटेड डेटा को वापिस रिकवर कर सके क्या कर सके रिकवर कर सके वापस अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक डिलीटेड डेटा को लाने के लिए होते हैं कुछ मेजर्स कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ हद हाँ तक ये आपके प्रॉफिट में भी है और कुछ हद हाँ तक जितने भी हमारे मिस्चीवियस बच्चे हैं जो नहीं चाहते कि उन्होंने जिस भी फाइल को जिस भी डेटा को एक्सेस किया है वो किसी और को भी पता चले तो उनके लिए ये दुखद खबर हो सकती है क्योंकि भाई अब सबको पता चलने वाला है कि आपने अगर कोई डेटा डिलीट कर दिया है तो उसको रिकवर कैसे किया जा सकता है तो शुरू कर दें चलिए भाई मैम शुरू करते हैं आ जाओ डेटा डिलीशन एंड रिकवरी में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिलीशन के बारे में इसके बारे में भाई हम पढ़ने वाले हैं डिलीशन के बारे में होता क्या है डिलीशन चलिए देखें इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट क्या है बिगेस्ट थ्रेट और थ्रेट का मतलब क्या होता है कोई मुझे बता पाएगा आप में से कौन है जो मुझे बता पाएगा इस टर्म का मतलब वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म थ्रेट अगर जानते हैं थ्रेट का मतलब तो जाइए कॉमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म थ्रेट और जितने भी बच्चे हैं जो थ्रेट का मतलब नहीं जानते हैं तो मैं किस लिए हूं अफकोर्स हूँ और भाई जो बताएगा उसका शाउटआउट तो होना है ये तो गारंटी है भाई तो ये बात तो आप सब जानते हो इतना तो आप अपनी शुभा माम को अब जान चुके हो तो भाई डिलीशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट आज के टाइम का सबसे बड़ा जो थ्रेट है थ्रेट कह दो लो भाई लोग थ्रेड कह लो या कहलो क्या थ्रेड कह लो या कह लो डेंजर क्या कह लो डेंजर कह लो भाई के भाई जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत ही अच्छे से कंप्यूटर सिस्टम चलाना जानते हो लेकिन किसी कारणवश अगर आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट हो जाता है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस बन जाता है अगर आपको नहीं पता है उस डिलीटेड डेटा को रिकवर करने के स्टेप्स तो भाई आप परेशान हो जाओगे कि भाई फाइल डिलीट हो गई रिसाइकिल बिन से भी डिलीट हो गई परमानेंटली डिलीट हो गई उस फाइल को रिकवर

हो सकता है आपको ये ड्राइंग देख के हंसी भी आ जाए आ सकती है कि भाई मैम ये क्या बना रहे हो तो भाई ये मैं कोशिश कर रही हूँ ये मैं बस एक कोशिश कर रही हूँ कि ये मैं बना सकूँ जिससे कि आपको समझ आए कि भाई मैम क्या बनाने की कोशिश कर रही हैं अगर समझ आ रहा है तो भाई समझ जाओगे और अगर नहीं आ रहा है तो भाई आप हंस सकते हो कोई टेंशन की बात नहीं योर मैम इज़ वेरी बैड एट ड्राइंग वेरी बैड भैया बहुत अच्छी बात है हमारी मुस्कान मैम बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हैं बहुत ही अच्छी ड्रॉइंग बनाती है भाई बायो को तो वो अलग ही लेवल पर लेके जा चुकी है भाई तो देखो एक तो ऊपर हो गया एक थोड़ा नीचे हो गया एक दाएं हो गया और एक बाएं हो गया तो क्या है ये एक का सिंबल है कि नहीं है भाई अब अब देखो हंसना नहीं है हाँ, ठीक है ठीक जैसा था मैंने जैसा मुझे आया मैंने वैसे बना दिया ये डेंजर बताता है बताता है तो भाई कंप्यूटर के अंदर ये कहलाता है एक डेंजर का सिंबल और ना ही सिर्फ कंप्यूटर के अंदर कहीं भी चले जाओ आप ये डेंजर सिंबल होता है जो बताता है कि भैया यहां मत जाओ यहाँ डेंजर है तो भाई डिलीशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट डेंजर और थ्रेट एसोसिएटेड विद डिजिटल डेटा एक सिस्टम के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है वो डिजिटल फॉर्म में ही तो स्टोर होता है बात सत्य है सत प्रतिशत सत्य है मैम एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी डेटा स्टोर करोगे मेमोरी के अंदर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सीपीयू की लोकल मेमोरी के अंदर चाहे कहीं भी स्टोर कर लो भाई वो डिजिटल फॉर्म में ही स्टोर होता है और इस डिजिटल डेटा के लिए सबसे बड़ा जो डेंजर है वो है यूजर के द्वारा उसका डिलीशन क्लियर चलो स्टोरेज डिवाइसेस कैन अच्छा इसमें ना इसमें मैं आगे बढ़ू इससे पहले मुझे एक चीज दिमाग में आई हुई अभी मुझे एक चीज स्ट्राइक की है रोम पढ़ा था क्या पढ़ा था रोम पढ़ा है बिल्कुल पढ़ा है मैम जी मैम मेमोरी में, में, में पढ़ा है हमने रोम के बारे में रोम क्या करता है रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेन मेमोरी जो परमानेंटली स्टोर कराती है कंप्यूटर सिस्टम के उन लो लेवल प्रोग्राम्स को जिनकी वजह से पूरा कंप्यूटर सिस्टम एफिशिएंटली वर्क करता है रीड ओनली मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसको यूजर सिर्फ रीड कर सकता है उसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकता तो भाई इस रोम को इस तरीके से बनाया ही इसीलिए गया है क्योंकि भैया डेवलपर भी जानता है कि हम जिनके हाथों में अपने कंप्यूटर सिस्टम को सौंपने वाले हैं ना वो ह्यूमन बींग्स हैं और ह्यूमन बींग्स आप प्रोन टू मिस्टेक्स हम भी एक ह्यूमन बींग हैं मैं भी एक ह्यूमन बींग हूँ लेकिन मैं एक बार ये कंप्यूटर बना लूंगा और दे दूंगा डिप्लॉय कर दूंगा टू द एक्सटर्नल यूजर जो इतना टेक्निकल मेरे च इतना टेक्निकल भी हो सकता है या नॉन टेक्निकल भी हो सकता है तो एक टेक्निकल पर्सन जब अपनी एक बहुत प्यारी चीज़ को किसी नॉन टेक्निकल या लेसर टेक्निकल पर्सन को हैंड ओवर करता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखता है यूजर के इस डिलीशन वाली चीज को लेकर ही कि भाई हो सकता है अगर रोम को वो रेस्ट्रिक्ट ना करे अगर रोम को वो रीड ओनली मेमोरी को रेस्ट्रिक्ट ना करे तभी सिस्टम के लो लेवल प्रोग्राम्स रोम में क्यों स्टोर किए जाते हैं क्योंकि उसको यूजर एडिट नहीं कर सकता अब भाई हम तो ह्यूमन बींग है अगर ये एडिटेबल होती जस्ट इमेजिन रीड ओनली मेमोरी अगर एक नॉर्मल यूजर के द्वारा एडिटेबल होती तो भैया इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स जले हैं ना जैसे कि आपका बूट लोडर आपके अलग अलग लो लेवल फर्मवेयर इतने अलग अलग आपके लो लेवल हमारे सिस्टम प्रोग्राम्स हैं जो पूरे सिस्टम को रेगुलेट करते हैं चलाने में काम आते हैं बैकएंड पे काम करते हैं अगर ये मेमोरी मेरे थ्रू एडिटेबल होती तो मैं अभी तक इस पूरे सिस्टम का मैं या आप कोई भी इस पूरे सिस्टम का भंटाधार कर चुके होते हो सकता था मैं इस मेमरी को खोल देती इसके अंदर जो भी फाइल है उसको मैं डिलीट कर देती धोखे से हो जाती मैं कह देती भैया धोखे से हो गई अब भाई आपसे तो धोखे से हो गई अब आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा और आप डेवलपर के पास पहुँच जाओगे लेके कि भाई क्या दिया है कुछ चल नहीं रहा है कोई दिक्कत हो रही है उसको आएगी गुस्सा क्यों क्योंकि आपने रोम को छेड़ दिया उसकी मेन मेमोरी में जो रोम है उसको छेड़ दिया जो सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव प्रोग्राम्स हैं उनको कंटेन करती थी तो भाई जो कंटेंट जो हमारा कंप्यूटर का डेवलपर होता है आर्किटेक्ट होता है वो बहुत सोच समझ के ही किसी कंप्यूटर को डिज़ाइन करता है एंड बिकॉज हैबिट ऑफ डिलीटिंग एवरीथिंग चाहे वो धोखे से हो चाहे वो विलिंगली हो कोई मिशीवियस बच्चा है उसने कहा नहीं रोम के अंदर ये जो प्रोग्राम है मैं वो डिलीट करना चाहता हूं बस मेरी मर्जी है विलिंगली कर रहा है ही इज वेरी मिस्चीवियस ही और शी इज वेरी मिस्चीवियस बाय नेचर उसने तो कर दिया डिलीट अपनी चिप में और हुआ क्या पूरे कंप्यूटर सिस्टम का बंटाधार हो गया हो गया भाई आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा वो बात अलग है 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 तो भाई डिलीशन जो जो इतना बड़ा है, जो इतना बड़ा बड़ा थ्रेट डेंजर आज की ह्यूमन मैनकाइंड के लिए जो मैनकाइंड के लिए सबसे बड़ा डेंजर है उसको ध्यान में रखते हुए ही जो हमारे कंप्यूटर का आर्किटेक्ट होता है जो डेवलपर होता है वो रोम के अंदर ऐसी मेमोरी जो सिर्फ रीड की जा सकती है उसको आप एडिट नहीं कर सकते तभी उसके अंदर इन सॉफ्टवेयर्स को वो स्टोर करता है तो भाई हर एक चीज मैंने क्या बताया था हर एक कॉन्सेप्ट अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट से इंटरलिंक्ड है तो निकल आया एक इंटरलिंक है ना तो भाई आ जाओ डिजिटल डेटा जितना भी डिजिटल डेटा है हम सब जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी स्टोर करा लो वो डिजिटल फॉर्म में ही स्टोर होगा और उस डिजिटल स्टोर का या उस डिजिटल डेटा स्टोरेज का जो सबसे बड़ा थ्रेट है जो सबसे बड़ा डेंजर है वो है उसका डिलीशन चाहे वो विलिंगली हो या अनरिलकटेंटेडली हो क्लियर हुआ रिलकटेंट हो चाहे आपका विलिंगली हो एक ही बात है ठीक है आ जाओ द स्टोरेज डिवाइस कैन मैल फंक्शन क्रैश डाउन रिजल्ट इन द डिलीशन ऑफ द स्टोर डेटा तो भैया ज़रूरी नहीं है इतना ज़्यादा ह्यूमन बींग को नहीं कोसना चाहिए कि केवल इंसान को ही कोसते जा रहे हो मैम कि भाई मैं ज़बरदस्ती डिलीट कर दूंगा या मैं धोखे से डिलीट कर दूंगा क्या मतलब सिर्फ हम ही डिलीट कर सकते हैं क्या कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसी डिवाइेज नहीं हो सकती हैं जो अपने आप ही खराब होकर मेरे स्टोर डेटा को ख़त्म कर दे डिलीट कर दें खो दें हो सकता है हम जब ह्यूमन बींग हैं हम मिस्टेक करते हैं तो हमारे द्वारा बनाई हुई डिवाइज भी मिस्टेक कर सकती हैं कर सकती हैं कंप्यूटर सिस्टम कभी मिस्टेक नहीं करता याद रखना कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक अगर वो आपको गलत आउटपुट दे रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आपके इनपुट में कुछ गलत था इसलिए वो आपको उस इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट दे रहा है याद रखना कहते हैं ना मशीन कभी भी मिस्टेक नहीं करती मशीन नेवर मेक्स मिस्टेक लेकिन मशीन क्या हो सकती है मैल फंक्शन हो सकती है मशीन क्रैश डाउन हो सकती है क्रैश हो गई बहुत सारा बल्क का डेटा आपने दे दिया एक पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस के अंदर बहुत ज़्यादा बल्क की डेटा दे दिया वो हैंडल ही नहीं कर पाई क्रैश हो गई मैल फंक्शन हो गई चिप में कोई दिक्कत आ गई क्या थॉट में कोई दिक्कत आ गई हो सकता है स्टोरेज डिवाइस भी तो आज के टाइम पे चिप पे ही आती है बड़ी चिप्स हो या छोटी चिप्स हो कभी ड्राइव देखी है पेन ड्राइव के इंटरनल चीज को वो जिसका ऊपर का कवर होता है ना प्लास्टिक का प्ला कुछ कुछ पेन ड्राइव्स प्लास्टिक्स में आती हैं जैसे सैंडिस्क की जो पेन ड्राइव है मैं किसी स्पेसिफिक पेन ड्राइव को यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ ना ही उसके बारे में बता रही हूँ आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल सैंडिस की जो आपकी पेन ड्राइव आती है फ्लैश ड्राइव आती है जो प्लास्टिक कवरिंग में आती है कभी अगर आपने उसकी प्लास्टिक कवरिंग निकाली हो तो उसके अंदर एक चिप होती है माइक्रो चिप तो भाई सेकेंडरी स्टोरेज भी आज के टाइम पे चिप में आता है आता है आपने उसको इंसर्ट किया पोर्ट में कोई दिक्कत थी आपके सिस्टम की तो उसकी चिप में दिक्कत आ गई उसके अंदर आपकी फाइल थी लेकिन चिप में दिक्कत आने की वजह से आपकी वो फाइल वहां से हट गई तो हमेशा एक ह्यूमन की ही गलती हो ये जरूरी नहीं तो भाई द स्टोरेज डिवाइसेज कैन मैन फंक्शन जो स्टोरेज डिवाइसेज जिसके अंदर आपने अपने डेटा को स्टोर कर करके रखा है समय समय पर वो malfunction फंक्शन भी हो सकती है आउट ऑफ न्यूमरस रीजन और क्रैश डाउन भी कर सकती हैं रिजल्टिंग इन द डिलीशन ऑफ द स्टोर डेटा अल्टीमेटली अगर वो मैल फंक्शन हो गई या क्रैश डाउन हो गई तो आपके उस स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो इतना सेंसिटिव इतना इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर था वो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा मैक्सिमम केसेस में वो डिलीट हो जाएगा <coughs> <coughs> क्या होगा डिलीट हो जाएगा चलिए ठीक है मैम यूजर्स कैन ऑल्सो एक्सीडेंटली इरेज डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं कि हम सब यूजर्स हैं हम सब ह्यूमन बींग्स हैं गलतियां हमसे होती हैं एक्सीडेंटली ही मैं करना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे किसी ने डिस्टर्ब कर दिया और मैं एक हार्ड डिस्क खोले हुई थी उसका किसी डेटा को मैं देख रही थी और मुझसे डिलीट बटन दब गया कीबोर्ड पर सलेक्टेड फाइल थी दबना कुछ और था एंटर की जगह मैंने डिलीट बटन दबा दिया तो मेरी वो फाइल लॉस्ट हो गई तो एक्सीडेंटली भी हम कभी कभार किसी स्टोरेज डिवाइस से किसी डेटा को एक्सीडेंटली भी हम किसी एक स्टोरेज डिवाइस से किसी डेटा को डिलीट कर जाते हैं ना चाहते हुए भी नहीं ना चाहते हुए भी हम किसी डेटा को डिलीट कर जाते हैं ठीक है डिजिटल डेटा इंटेंशनली अब भाई जब यहाँ पे अन इंटेंशनली चीजों की बात हो रही है अन इंटेंशनल चीजों की बात हो रही है जिसको हम अन इंटेंशनली कर रहे हैं चाहे वो किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मेल फंक्शन हो या उसका क्रैश डाउन हो जाना हो यह सब हार्डवेयर डिवाइसेज है हार्डवेयर की एक लाइफ होती है याद रखना हर हार्डवेयर की एक लाइफ होती है एक लिमिटेड लाइफ तक वो चलेगा उसके बाद उसको रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए अगर अच्छा दे पाए तो और ज्यादा चल जाएगा लेकिन जहां मेंटेनेंस में कमी आई वहां पे आपका हार्डवेयर क्रैश हो जाएगा सॉफ्टवेयर नेवर डाइज इस धरती पर अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी नहीं मरेगा दैट इज सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर टाइम के साथ साथ सिर्फ ग्रो ही करने वाला है वो कभी मरेगा नहीं इतने सालों पहले बना हुआ पेंट सॉफ्टवेयर आज के टाइम पे और भी ज्यादा एक्सटेंडेड फीचर्स के साथ और भी ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे सामने खड़ा हुआ है ना कि मर चुका हो इस्तेमाल ज्यादा नहीं हो रहा है वो बात अलग है क्लियर हुआ सॉफ्टवेयर नेवर डाइज बट द हार्डवेयर इजली गेट्स वेयर आउट ठीक है भाई तो आ जाओ जितना भी हमारे हैकर होते हैं मालवेयर होते हैं जानते हो क्या होता है एक हैकर अगर जानते हो तो जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे क्या होता है एक हैकर चलिए जल्दी से। हां जी भाई तो बताया है क्या होता है एक हैकर? आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जो हैकर के बारे में थोड़ा बहुत भी ना जानता हो पूरी जानकारी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूं हैकर होता है वो इंसान क्या होता है भाई अ पर्सन क्या होता है अ पर्सन दैट डेलिबरेटली ऐसा इंसान जो जबरदस्ती जबरदस्ती क्या करता है आपके काम को खराब करने की कोशिश करता है आपके द्वारा एक्सेस की गई साइट्स, आपके द्वारा एक्सेस किया गया डेटा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से वो होता है एक हैकर क्या होता है वो होता है एक हैकर ऐसा इंसान जो आपके डेटा को आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आपके अगेंस्ट ही यूज करने की कोशिश करे आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे आपके साथ किसी ना किसी तरीके से गलत करने की कोशिश करे दैट इंसान या दैट पर्सन इज अ हैकर तो एक हैकर जो डेलीबरेटली ही आपके साथ छेड़छाड़ करना चाहता है वो हैकर आपके डेटा को डिलीट कर सकता है उसे पता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे आपको परेशान करना है उसने आपके सिस्टम को हैक कर लिया आपके उस डेटा को उसने डिलीट कर दिया इंटेंशनली एक आता है आपके पास एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है मालवेयर सॉफ्टवेयर सॉरी कौन सा सॉफ्टवेयर मालवेयर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सुना है एक सॉफ्टवेयर होता है सेटअप प्रोग्राम्स ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी काम को तो करके ना देगा लेकिन बने बनाए काम को बिगाड़ जरूर देगा दैट इज दालवेयर क्या होता है मालवेयर मालवेयर स्टैंड फॉर मालवेयर स्टैंड फॉर मिलिशियस क्या का मतलब होता है मालवेयर का मालवेयर ना एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है क्या होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेलिशियस प्लस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मिलीशियस है अब मिलीशियस का मतलब क्या होता है मिलीशियस का मतलब होता है जो सॉफ्टवेयर बहुत ही गंदा है समवन विद अ रॉन्ग इंटेंशन ये कहलाता है आपका मिलीशियस मिलीशियस का मतलब होता है ऐसी चीज जो अपने साथ एक रॉन्ग इंटेंशन रखती हो वो एक मिलिशियस थिंग होती है तो मिलिशियस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके किसी काम तो आएगा नहीं लेकिन आपके बने बनाए काम को बिगाड़ जरूर देगा तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है एक मालवेयर और कभी कभार हम कुछ ऐसी वेबसाइट्स को विजिट कर जाते हैं जहां पे हमें किसी सॉफ्टवेयर के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती लेकिन तब भी कुछ चीज़ों के बहकावे में आके या कुछ लोगों के बहकावे में आके हम उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी कर लेते हैं और अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल भी करा देते हैं इनको इंस्टॉल कराने के बाद वो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमारे इस्तेमाल में तो आएंगे नहीं बल्कि हमारे सिस्टम में जो ऑलरेडी अच्छे डरे डरा जेन्यून सॉफ्टवेयर्स हैं उनके काम को हिंडर और करते हैं बैकएंड में तो ये सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो आपके मालवेयर्स होते हैं तो भैया कोई भी हैकर या कोई भी डिलीट कर सकता है आपके सिस्टम में स्टोर एक डिजिटल डेटा को ताकि वो आपको हार्म पहुंचा सके इंटेंशनली तो भैया डेटा का डिलीशन इंटेंशनली भी हो सकता है बाय एनी हैकर और बाय एनी मालवेयर इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम एज वेल एज आपके क्रूशल डेटा का डिलीशन अन इंटेंशनली आपके द्वारा भी या फिर आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के मेल फंक्शन होने पर या क्रैश हो जाने पर किसी भी सिनारियों में आपके डेटा का डिलीशन हो सकता है चाहे वो इंटेंशनल डिलीशन हो या आपका अन इंटेंशनल डिलीशन हो तो भाई मैम ये तो समझ लिया हमने कि डिलीशन तो होना है डिलीशन अगर होना होगा तो अनइंटेंशनली हो चाहे इंटेंशनली होके हो रहेगा तो मैम डिलीशन से बच तो नहीं सकते लेकिन डिलीशन होने के बाद उस डिलीटेड फाइल को रिकवर जरूर कर सकते हैं तो इससे पहले कि हम रिकवरी पढ़ें डिलीशन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें और जान लेते हैं चलिए आइए डिलीटिंग डिजिटली स्टोर डेटा मीन्स किसी भी डेटा को डिलीट करना और कैसा डेटा ऐसा डेटा जो डिजिटली स्टोर हो कैसा डेटा द डेटा दैट इज डिजिटली स्टोर ऐसा डेटा जो डिजिटली स्टोर हो मतलब ऐसा डेटा जो एक कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर है उस डेटा को डिलीट करने का मतलब होता है चेंजिंग द डिटेल्स ऑफ डेटा एट बिट लेवल मतलब भाई आपका डेटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर्ड है और उसको आप डिलीट कर रहे हो मतलब आप एक पर्टिकुलर डाटा जो कि बिट लेवल पे स्टोर्ड है डिजिटल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है भाई लोग क्या मतलब होता है डिजिटल फॉर्मेट का बहुत अच्छे से जानते हो भाई बहुत अच्छे से डिजिटल फॉर्मेट का मतलब होता है बिट्स में स्टोर होना क्या होना बिट्स में स्टोर होना सपोज करो डी वन नाम का एक डेटा है जो आपके डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर्ड है किस में स्टोर है ये जो आपका डी वन है ये आपका डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर्ड है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ठीक है मैम अब अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस कर रहे हो चाहे वो चेंज इसको डिलीट करना ही क्यों ना हो तो वो चेंज आप बिट लेवल पर जाके कर रहे हो उपरी उपरी चेंज नहीं कर रहे हो और किसी भी ऐसे डेटा को जो कि डिजिटल फॉर्म में स्टोर्ड है अगर उसके बिट लेवल पे पे जाके, जाके मतलब उसके डिजिटल लेवल पे जाके आप उसको डिलीट करते हो तो यह काम आसान नहीं होता यह काम बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है डिलीटिंग द डिजिटली stored डेटा means चेंजिंग द details ऑफ डेटा एट बिट लेवल एंड इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग क्लियर तो मतलब इंटेंशनली तो आप किसी भी डिजिटली स्टोर डेटा को डिलीट करने से पहले दस बार सोचोगे अगर आपको लगेगा कि ये डेटा मेरे अब यूज का नहीं है तो ही आप इसको डिलीट करोगे या इसकी डेटा की अब मुझे ज्यादा आवश्यकता नहीं है जरूरत नहीं है तब तो आप बिट लेवल पर जाके उसको इंटेंशनली डिलीट करोगे लेकिन कोई भी डेटा जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर है जो कि डिजिटलाइज्ड फॉर्म में स्टोर है उसमें कोई भी चेंज करने से पहले उसमें कोई भी डिलीशन करने से पहले आप दस बार सोचोगे क्योंकि वो बिट लेवल पर जाकर ही चेंज होगा चाहे डिलीशन ही क्यों ना हो वो बेक मैनिपुलेशन है वो आपको बिट लेवल पर जाके करना पड़ेगा अगर इंटेंशनली उसको डिलीट करना चाहते हो और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है तो ऐसे सिनारियों में तो इंटेंशनली किसी भी डेटा का डिलीशन बहुत ही कम पाया गया है कि कोई भी जो यूजर है वो कोई भी डेटा इंटेंशनली जाके डिलीट कर रहा हो दैट इज फाउंड वेरी रेयरली क्लियर हुआ क्योंकि आपका डेटा एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो चुका है और डिजिटल फॉर्म में जब भी कोई डेटा स्टोर होता है तो बिट लेवल पर जाके इतने कर चेंजेस चेंज करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्लियर आ जाओ एनी डेटा लेकिन तब भी अगर आप कोई डेटा डिलीट कर देते हो <hablando> यहां पर जिस डेटा की हम बात कर रहे हैं वो एक डिजिटल डेटा की बात हो रही है किसकी बात हो रही है यहाँ पे जिस भी डेटा की हम बात कर रहे हैं द डेटा विच वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिजिटल डेटा हम एक डिजिटल डेटा की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो भाई जब डिजिटल डेटा की यहाँ पे बात छिड़ी गई है यहाँ पे जब डिजिटल डेटा की बात छिड़ गई है तो इतना समझो भाई लोग इतना समझो भाई लोग जब हम एक डिजिटल डेटा की बात यहाँ पे कर ही रहे हैं तो ये जो डिजिटल डेटा है अब इस डिजिटल डेटा को अगर मैं तब भी डिलीट करना चाहूँ मुझे ये पता चल गया कि भाई डिजिटल डेटा है बिट लेवल पे जाके उसमें कोई भी चेंज करना हो मुझे बिट लेवल पे जाके करना पड़ेगा मैं हूँ एक नॉर्मल यूजर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज पता है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज पता है और कोई अदर लैंग्वेज पता नहीं है और भैया ये डिजिटली स्टोर हो चुका है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक डिजिटल डेटा के बारे में बात सही है कि नहीं है और यह भी मैं जानती हूँ कि भाई इस पे अगर मैंने कोई भी चेंज करने की कोशिश की तो मुझे बहुत टाइम लग सकता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है लेकिन तब भी अगर मैं इस डेटा को छेड़ना चाहती हूँ दैट मीन्स एनी डेटा इफ डिलीटेड अगर मैं इस बिट लेवल पे स्टोर डेटा को डिलीट करना चाहती हूँ तो हर डेटा जब भी किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर होता है तो उसको दिया जाता है एक एड्रेस क्या दिया जाता है उसको दिया जाता है एक एड्रेस एंट्री। हम सब जानते हैं मेन मेमोरी के अंदर हर एक स्टोर डेटा को एक एड्रेस मिलता है जिसका नाम होता है मेमोरी एड्रेस होता है कि नहीं होता है अब भैया मेमोरी के अंदर जाके मेन मेमोरी के अंदर जाके जो डेटा बिट लेवल पे स्टोर हो चुका है उसको डिलीट करना अगर आप चाहते हैं तो उसकी जो एड्रेस एंट्री होगी डिलीशन के बाद वो फ्री हो जाएगी क्या हो जाएगी फ्री हो जाएगी तो मतलब इस पूरी सुनारियों का सीधा सीधा मतलब यह था कि अगर ये मेरी मेन मेमोरी है कि भाई अगर ये मेरी मेन मेमोरी है अगर ये मेरी मेन मेमोरी है देखने में कितना खतरनाक लग रहा है ना ये लाइन कि मैम क्या लिखा हुआ है एड्रेस एंट्री जो है वो फ्री हो जाएगी डिजिटली स्टोर डेटा है तो भैया बिट लेवल पर जाके काम करना पड़ेगा का। लिखा बहुत हैवी है ये लेकिन है वही चीज जो आपको ऑलरेडी पता हुआ है सच में बुक्स में चीजों को इस तरीके से घुमा के लिखा जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए जिससे बात, <coughs> तो बात हो रही है मेन मेमोरी की मेन मेमोरी पे कोई भी डेटा स्टोर है आ जाओ भाई कोई भी डेटा स्टोर है हम जानते हैं कि मेन मेमोरी के अंदर जब भी कोई भी डेटा कोई भी इनपुट स्टोर होता है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में स्टोर होता है एक सिंगल डेटा के रूप में स्टोर नहीं होता सपोज करो ये जो मेरा d1 था वो इसके अंदर जाके स्टोर हो गया अब भाई मेन मेमोरी के अंदर जाके अगर स्टोर हो रहा है और इस d1 को हम नॉर्मली ऐसे स्टोर नहीं कर रहे हैं, ये d1 डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों ही फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है मतलब कि ये जो आपको d1 दिख रहा है ये जो d1 दिख रहा है इसके पास होगा एक डेटा और इसके पास होगा एक इंस्ट्रक्शन भी होगा कि नहीं होगा भाई होगा हाँ जी मैम होगा होगा तो भाई जब ये होगा एक डेटा जब मेन मेमोरी में स्टोर हुआ तो वो डेटा और इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में स्टोर होगा दैट इज योर डेटा डीवन ठीक है अब तब भी मैं इस मेन मेमोरी में जब ये डेटा स्टोर करा रही हूं तो ये किस फॉर्मेट में स्टोर है ये जो डेटा दिया हुआ है और ये जो आई एन एस टी दैट इज इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ये किस फॉर्मेट में स्टोर है दैट इज इन बाइनरी फॉर्मेट ये बात हम सब जानते हैं मेन मेमोरी के अंदर आप किसी भी डेटा को डेटा और इंस्ट्रक्शन में स्टोर कराने की कोशिश भी करेंगे तो वो बाइनरी करा तो कराते हैं तो उसको मिलता है, एक क्या मिलता है और यही मेमोरी एड्रेस होता है जिसको रेफर करता है कौन आपका एड्रेस बस में डालने के लिए है भाई बसेस पढ़िए पढ़िए कि नहीं पढ़िए एड्रेस बस में यही मेमोरी एड्रेस जाता है एक मेन मेमोरी का जहां पे ये डेटा स्टोर है बिट लेवल पे क्लियर हुआ ठीक है सॉरी <coughs> बहुत खांसी हो रही है आई नो बहुत ज्यादा खांसी हो रही है पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलो भाई आपको पढ़ाना मेरे लिए सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी है चलिए आइए एनी डेटा इफ डिलीटेड एड्रेस एंट्री इज एज फ्री सीपीयू जब किसी भी डेटा को फेच करता है ना जब भी फैच करता है तो उस मेमोरी एड्रेस को फ्री नहीं कहा जाता है वहाँ से डेटा आउट के जाता है सीपीयू के पास लेकिन वो जो वहाँ पे मेन मेमोरी में जो मेमोरी एड्रेस है जहाँ पे वो डेटा स्टोर था वो खाली नहीं होता है उसकी एक कॉपी जाती है सीपीयू के साथ लेकिन मेन मेमोरी के अंदर यही डेटा जो आपने स्टोर किया है किसी एक मेमोरी एड्रेस पे अगर आपने उसको सीपीयू के फेच करने से पहले ही मेन मेमोरी से डिलीट कर मारा बिट लेवल पे जाके तो इसका जो ये मेमोरी एड्रेस है ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा भाई जल्दी बताओ सॉरी <coughs> <Sorry. coughs> क्या हो जाएगा ये ये जो दिया हुआ है ये जो मेमोरी एड्रेस है वो हो जाएगा फ्री क्या हो जाएगा जब भी किसी भी स्टोरेज डिवाइस में या स्टोरेज मेन मेमोरी के अंदर आप एक डेटा को बिट लेवल पे जाके एक डेटा को बिट लेवल में जाके अगर डिलीट करने की कोशिश करते हो तो जिस मेमोरी एड्रेस पे वो स्टोर था वो हो जाता है फ्री मतलब उस मेमोरी एड्रेस का जो स्टेटस होता है जो स्टेटस होता है चाहे स्टेटस चाहे स्टेटस जो आपको समझ में आए आप लिख सकते हैं वो फ्री हो जाता है क्लियर हुई ये बात चलिए देखिए इस डायग्राम को और बताइए अगर ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ है तो चलिए जल्दी से ओके okay, तो भाई यहां पे क्या समझा हमने यहां पे ये यह समझा है कि भाई मेन मेमोरी में, में, में जाके कि अगर किसी भी डेटा को आप बिट लेवल पे स्टोर कर रहे हो और वहां से अगर उस डेटा को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो तो उस मेमोरी एड्रेस जहां पे वो डेटा स्टोर था वो आपको फ्री दिखाने लग जाएगा कैसा दिखाने लग जाएगा इस मेमोरी एड्रेस का जो स्टेटस होगा वो आपको फ्री दिखाने लग जाएगा लेकिन एक बात बताइए क्या एक्चुअल में मेन मेमोरी के इस मेमोरी एड्रेस पे जो डेटा स्टोर था वो डिलीट हुआ है चलिए देखते हैं द स्पेस इज शोन एज एम टी वो जो स्पेस है जहां पे वो डेटा था वो आपको एम टी शो होने लगेगा दैट स्पेस इज शोन एज एम टी टू द यूजर विदाउट एक्चुअली डिलीटिंग द डेटा मतलब कि बिट लेवल पे किसी भी डेटा को डिलीट करना इतना इजी नहीं होता है इवन इफ यू आर ट्राइंग टू डिलीट एनी डेटा एट द बिट लेवल इन द मेन मेमोरी, देन टू आपने ट्राई किया मेमोरी एड्रेस में जो आपको स्पेस है वो फ्री दिखाना शुरू हो जाएगा लेकिन उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस के अंदर जो डेटा स्टोर्ड है वो एज इट इज ही रहेगा वो एक्चुअली डिलीट नहीं हुआ है वो एक्चुअली डिलीट नहीं हुआ है तो बात से सी है भाई, एक तो है डेटा डिलीशन हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट तो है लेकिन डिलीशन भी इतना इजी नहीं है स्पेशली अगर आप किसी डिजिटल डेटा की बात कर रहे हो ऐसे डेटा की जिसको आपको लगता है कि आप उसको डिलीट कर सकते हैं धोखे से या अन लेकिन इंटेंशनली या फिर अन लेकिन उसको डिलीट करना भी इतना ईजी नहीं है क्लियर हो ये बात जल्दी बता दो भाई चलिए बता दो कोई भी कंफ्यूजन है कोई भी डाउट है बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में और अपने अपने डाउट्स को कमेंट कीजिए जी हाँ, comments, आज भाई तो भाई, की, तो की कोशिश की हो कुछ भी किया हो तो भाई रिकवरी की बात कर डेटा किसी भी तरीके से डिलीट आपने कर दिया भैया बिट लेवल पे भी था हमने तिगड़म लगाया और कर दिया कोई समस्या नहीं हो गया डिलीट धोखे से कर दिया चलो रिकवरी सबसे ज्यादा हम तब इस्तेमाल करते हैं जब धोखे से मुझसे कोई डेटा कोई सेंसिटिव डेटा या कोई भी नॉर्मल डेटा मुझसे डिलीट हो जाए जिसकी मुझे आगे जरूरत पड़ सकती है तो ऐसे सीनारियों में हम चूज करते हैं रिकवरी ऑप्शन को ढूंढते हैं हम रिकवरी ऑप्शन को तो देखें क्या क्या होता है रिकवरी ऑफ डेटा हाँ जी तो क्या होता है रिकवरी ऑफ डेटा डिलीशन तो समझ लिया तो अब बारी आ चुकी है डेटा को रिकवर करने की चलिए देखते हैं पॉसिबल ओ ओनली इफ द कॉन्टेंट्स मेमरी स्पेस मार्क्ड एज डिलीटेड जिस पर्टिकुलर मेमरी स्पेस से आपने किसी भी डेटा को डिलिबरेटली या फिर इनडेलिबरेटली डिलीट कर दिया है अनरिलक्टेंटली या फिर रिलक्टेंटली अगर आपने उस डेटा को डिलीट कर दिया है जिस मेमरी स्पेस से या जिस कॉन्टेंट को आपने डिलीट कर दिया है अगर उस पर आपने कोई नया कॉन्टेंट या कोई नई फाइल ओवर राइट ना की हो नहीं की हो ओवर राइट ना की हो तब तो उस डिलीटेड डेटा का रिकवरी पॉसिबल हो सकता है मतलब कि सपोज कर लो भाई ये आपकी मेन मेमोरी है भाई क्या है? है। ये आपकी ठीक है मैम ये हमारी मेन मेमोरी है इस मेन मेमोरी के अंदर सपोज करो इस मेन मेमोरी के अंदर देखो, ये हमारी मेन मेमोरी है ठीक है मैम ये बात हम सबने समझ ली जान ली अच्छे से पहचान ली बहुत अच्छी बात है तो मेन मेमोरी के किसी एक मेमोरी स्पेस से सपोज करो कि भाई कितनी भी जदतोजहद करके आपने एक डेटा को आखिरकार डिलीट कर ही दिया ये था आपका मेमोरी स्पेस ये जो था इस मेमोरी एड्रेस से इस मेमोरी एड्रेस को कह लीजिए या इस मेमोरी स्पेस को कह लीजिए यहां से आप किसी डेटा को डिलीट कर चुके हैं तो भाई अगर इस डिलीटेड डेटा को फिर से रिकवर करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहली बात जो हमको ध्यान रखनी पड़ेगी वो ये है कि जिस मेमोरी एड्रेस से आपने अपने डेटा को धोखे से डिलीट कर दिया या जानबूझकर भी डिलीट किया था लेकिन बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो इंपॉर्टेंट था मैंने पता नहीं क्यों उसको डिलीट कर दिया तो कोई भी सिनारी हो आपका कोई भी रीजन हो लेकिन आप उसे रिकवर करना चाहते हो तो उसके लिए क्या सबसे पहले ये बात याद रखने की जरूरत है कि उस खाली मेमोरी स्पेस में उस खाली मेमोरी एड्रेस में कोई दूसरा डेटा कोई दूसरा डेटा अब ना आ पाए अगर दूसरा डेटा इसमें स्टोर हो गया तो जो पुराना डेटा था जो आपसे डिलीट हो गया है उसको रिकवर करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा तो मतलब न्यू डेटा का ओवर राइट क्या बोलते हैं ओवर रिटिन नहीं होना चाहिए देख लेते हैं पॉसिबल ओनली इफ द कॉन्टेंट्स ऑफ द मेमोरी स्पेस विच आर मार्क्ड एज डिलीटेड मतलब कि ऐसे कंटेंट या ऐसे मेमोरी स्पेस इनको हम मार्क करते हैं किस तरीके से डिलीटेड तरीके से कि भाई ये डिलीट हो रहे हैं या ये जो मेमोरी एड्रेस है यहां से कोई डेटा डिलीट हो चुका है मतलब कि मेमोरी एड्रेस हो चुकी है फ्री मेमोरी एड्रेस जो है वो हो चुका है फ्री मेमोरी एड्रेस का जो स्टेटस है जो स्टेटस है वो आ चुका है फ्री तो जब फ्री आ चुका है तो इसको फ्री ही रहने दो लोग इसको ऑक्युपाई नहीं करना है और ऑक्युपाई कब होगा जब इस फ्री एड्रेस पे आप किसी अदर से कर देंगे तब जाके ये आपका ऑक्युपाई हो जाएगा भाई तो ऑक्युपाई नहीं करना है अगर ऑक्युपाई कर डाला तो आपका जो लॉस्ट डेटा है जिसको आप धोखे से डिलीट कर चुके हैं वो रिगेन होने में और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको रीगेन करना फिर से मुश्किल हो जाएगा तो ये बात का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि रिकवरी ऑफ डेटा तभी पॉसिबल है अगर जिस कंटेंट या जिस मेमोरी स्पेस से आपने उस डेटा को डिलीट किया है वो कंटेंट या वो मेमोरी स्पेस किसी अदर डेटा के द्वारा ओवरराइट ना हुआ हो पहला कंडीशन ये तो हमने समझा कि एक डेटा की रिकवरी के लिए यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इट शुड नॉट बी ओवर बाय सम अदर डेटा ठीक है ओके मैम डेटा रिकवरी एक्चुअल में है क्या इस डेटा रिकवरी को कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग द डिलीटेड करप्टेड या लॉस्ट डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एक डिलीटेड डेटा की रिकवरी एक करप्टेड डेटा की रिकवरी या फिर एक लॉस्ट डेटा की रिकवरी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से कहलाती है आपकी डेटा रिकवरी अदर रिकवरी ऑफ द डिलीटेड करप्टेड एंड लॉस्ट डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज नोन एज द डेटा रिकवरी तो भाई यही कहलाती है आपकी डेटा रिकवरी ठीक है मैम आ गई बात समझ तो भाई जब आ गई है बात समझ तो आगे बढ़ लेते हैं कि सिक्योरिटी क्या होती है अब मैम एक बात बताइए आप मुझे <coughs> आपने डेटा डिलीशन बता दिया आपने डेटा की रिकवरी बता दी रिकवरी में एक चीज़ आपने मुझे बता दी कि भाई जिस जगह से डेटा को डिलीट किया है उस जगह पे कोई अदर फाइल नहीं आना चाहिए अगर आ गई तो डेटा को रिकवर नहीं कर पाओगे और अगर नहीं आई है तो कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनकी हेल्प से आप उन्हें रिकवर कर सकते हो तो मैम मेजर्स तो बताइए मेजर्स तो बताइए तो भाई मेजर पता चलेगा लेकिन अभी नहीं अगर आप जानना चाहते हैं डेटा रिकवरी के मेजर्स एक डेटा की रिकवरी तो जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में और मुझे पिन कीजिए जी हाँ कमेंट सेक्शन में जाइए मुझे बताइए कि क्या आप जानना चाहते हैं डेटा रिकवरी ऑप्शंस के बारे में कैसे एक डेटा की रिकवरी की जा सकती है क्योंकि मैं बहुत जल्द लेके आने वाली हूं आपके लिए एक 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 सरप्राइज अभी नहीं बताऊंगी अभी ऐसे तो नहीं बताने वाली हूं मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली हूं मैं मैं आपके लिए लेके आने वाली हूं एक बहुत बड़ा सरप्राइज उस सरप्राइज में आपको ये जो क्वेश्चन आपके मन में अराइज हुआ है वो भी आंसर हो जाएगा मैम डिलीशन बता दिया रिकवरी बता दिया भैया रिकवरी करेंगे कैसे सिवित बता दिया कि भाई मैम ऐसा ऐसा होता है जिस जिस जगह से डिलीट किया है उसको बस किसी अदर डेटा से ओवर मत करो लेकिन कैसे करें रिकवरी अगर जानना चाहते हो कैसे की जाती है एक डेटा की रिकवरी तो जाइए कॉमेंट सेक्शन में और मुझे पिन कीजिए पिन कीजिए मुझसे बोलिए कि मैम हम जानना चाहते हैं तो मैं आपके लिए उसका एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर डिजाइन कर दूंगी आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं आपको अभी ये चीज नहीं बता सकती अभी सिर्फ आपको बताना है कि भैया डेटा डिलीशन क्या होता है डेटा रिकवरी क्या होता है और अब आ जाते हैं हम सिक्योरिटी पे एक डेटा की सिक्योरिटी भी बहुत मायने रखती है अब भाई डेटा को चाहे अनवॉन्टेडली या फिर इंटेंशनली इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली हम डिलीट तो कर रहे हैं तो ऐसे में डेटा तो मेरा बहुत ही ज़्यादा क्रूशल एलिमेंट है और उसकी जब ऐसे तरीक़ों से डिलीशन हो जाता है तो डेटा की सिक्योरिटी भी तो हमें इंश्योर करनी होगी कि कोई भी एरा गैरा आके ऐसे ही किसी भी डेटा को डिलीट करके चला जाए और हम बैठे रहें नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो डेटा की सिक्योरिटी देर आर वेरियस सिक्योरिटी कंसर्न एसोसिएटेड विद डेटा सबसे पहला जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो ये है कि कोई भी डेटा अगर किसी अनऑथोराइज पर्सन या फिर सॉफ्टवेयर के द्वारा अगर डिलीट हो जाए मतलब यहां पे किसकी बात हो रही है यहां पे बात हो रही है यहां पे बात हो रही है एक हैकर के बारे में और यहां पे बात हो रही है एक मालवेयर के बारे में कि मतलब एक क्रूशियल डेटा को एक हैकर जो कि एक अनऑथोराइज पर्सन है जो जबरदस्ती आपके सिस्टम में घुस के आपके क्रूशियल और सेंसिटिव डेटा को हार्म पहुंचा रहा है आपको हार्म पहुंचाने के लिए आपके डेटा को डिलीट कर रहा है वो है आपका हैकर एक अनऑथोराइज पर्सन है जिसको ऑथोराइजेशन ही नहीं है आपके डेटा को छेड़ने का और एक है आपका मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आपने डाउनलोड और इंस्टॉल इस से किया था कि ये हमारे किसी यूज में आएगा लेकिन वो उल्टा मेरे चलते हुए काम को और बिगाड़ रहा है ऐसा सॉफ्टवेयर जो मेरे सिस्टम में स्टोर फाइल्स को करप्ट कर रहा है वो भी एक मालवेयर है जी हाँ ठीक है आ जाइए क्या क्या है डिलीशन बाय सम समराइज पर्सन दैट इज द

आपके कंप्यूटर सिस्टम का पासवर्ड हर किसी को नहीं पता होना चाहिए अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम है चाहे वो डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो या हो आपका स्मार्टफोन उसका पासवर्ड जितना हो सके उतना लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल तक ही ट्रांसफर कीजिए ट्रांसमिट कीजिए देखिए लिमिटिंग एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम यूज पासवर्ड फॉर यूजर काउस बट फिर भी अगर आपका सिस्टम चाहे आपका लैपटॉप हो चाहे आपका स्मार्टफोन हो डेस्कटॉप थोड़ा सा क्रूशल होता है लेकिन लैपटॉप्स और जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं ये मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं इनको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो डेस्कटॉप को कैरी करना इतना पॉसिबल नहीं तो भैया अगर आपके घर में डेस्कटॉप है तो जब तक घर में कोई चोर घुस के नहीं आएगा तब तक आपके डेस्कटॉप को कोई खतरा नहीं है एक्सटर्नल खतरा नेटवर्क के खतरे की बात नहीं हो रही है नॉर्मल जो हमारे नेचुरल खतरे होते हैं ना कि चोर आ गया उठा के ले गया और फिर खोलने की कोशिश कर रहा है या आपका डेस्कटॉप अगर नेटवर्क पे है तो इतना ज़्यादा सिक्योर हो वो हमारे सिक्योरिटी मेजर से कि उसको कोई अनऑथराइज पर्सन उस नेटवर्क पे छेड़ ना पाए तो भैया डेस्कटॉप बहुत हालातों में सही रहता है लेकिन लैपटॉप्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल और वनरेबल होते हैं लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स क्योंकि आप उन्हें कैरी कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू वन ये मोबाइल डिवाइस हैं इनको आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से कैरी कर सकते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि, कि किसी के हाथ आपका लैपटॉप लग जाए या किसी के हाथ आपका सेल लग जाए सेलफोन तो बहुत ही कॉमन चीज है जो किसी के हाथ लग सकती है अब उसने आपके सेलफोन को ओपन करने की कोशिश की उसमें कोई एक फाइज थी आपकी या कोई ऐसी डेटा था जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उसने वो डिलीट कर दिया तो ऐसे में आप अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर करके रख सकते हैं चाहे वो आपका लैपटॉप हो या आपका स्मार्टफोन हो अपने लैपटॉप और अपने स्मार्टफोन्स पे पासवर्ड डाला करिए क्या किया करिए आप यूज कर सकते हैं किसका किसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप पासवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसका पासवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिवाइसेस में आप यूज़र अकाउंट्स बना सकते हैं अगर आप एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप यूजर हो तो आप जानते हो कि एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप में आप मल्टीपल यूजर अकाउंट्स बना सकते हो और उन मल्टीपल यूजर अकाउंट्स को आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो तो भाई कोई तीसरा इंसान आके अगर आपके सिस्टम पर बैठ भी जाता है ना उसके बाद भी वो आपके सिस्टम को फिजिकली तो टच कर लेगा लेकिन इंटरनली वो आपके सिस्टम में घुस भी नहीं पाएगा अगर आपने उसमें एक यूज़र अकाउंट और उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखा हुआ है तो

भैया हो सकता है हमारे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट हो उनको कोई शक हो कि भैया ये क्या कर रहा है या ये क्या कर रही है सिस्टम पे जो ये पासवर्ड लगा के रखिए तो भैया अलग अलग घर की अलग अलग चीजें हो सकती हैं अब भैया आपको अपना डेटा भी सिक्योर रखना है तो सिर्फ और सिर्फ यूजर अकाउंट पर ही पासवर्ड नहीं होता है आप अपने सिस्टम को ओपन रख सकते हैं लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी फाइल जो आपको लगती है बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी तीसरे के हाथ में नहीं जाना चाहिए चाहे वो हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो तो आप एक सिंगल फाइल पर भी पासवर्ड लगा सकते हो भाई लोग देख लो सिंगल फाइल पे भी पासवर्ड लग सकता है जी हाँ कितना अमेजिंग है आपका डेटा चाहे किसी गलत हाथ में चला भी जाए ना किसी गलत सॉफ्टवेयर के हते भी चढ़ जाए ना उसके बाद भी अगर पासवर्ड लगा के रखा है तो आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर हो जाता है क्लियर हुआ भाई क्लियर हुआ एनी राउंड बिल्कुल जाइए कॉमन सेक्शन में और बताइए मुझे ठीक है आ जाओ भाई अब आ जाओ एनक्रिप्शन ऑफ फाइल्स पे किस पे आ जाओ भाई एनक्रिप्शन तो मुझे यह कौन बताएगा कि मैम एनक्रिप्शन का मतलब होता है क्या 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 भाई क्या क्या मतलब होता है एनक्रिप्शन का वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई दर्म एनक्रिप्शन चले जाइए कॉमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे वॉट इज एनक्रिप्शन बहुत लोगों ने सुना होगा एनक्रिप्शन का मतलब जानते भी होगी लेकिन फ्रेम नहीं कर पा रहे हो गे कोई दिक्कत की बात नहीं और जिन बच्चों को पता है जिन बच्चे इस चीज को फ्रेम कर सकते हैं मुझे बता सकते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे क्या होता है एक एनक्रिप्शन चलिए जल्दी से हां जी तो क्या बताया क्या होता है एनक्रिप्शन मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ये बात मुझे बता दी होगी तो भाई मैं बता दूं अब जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है या जिनको थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो बता देते हैं एनक्रिप्शन क्या होता है ट इज एनक्रिप्शन भाई लोग क्या होता है एनक्रिप्शन का मतलब एनक्रिप्शन का मतलब होता है कोडेड फॉर्मेट कैसा फॉर्मेट भाई कोडेड फॉर्मेट मतलब आपका डेटा आपकी फाइल नॉर्मल जो आपका डेटा है नॉर्मल जो आपकी फाइल है उसको नॉर्मल टेक्स्ट में रिप्रेजेंट ना करते हुए आप उसको कोडेड फॉर्मेट में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फाइल आपकी हो जाती है एनक्रिप्टेड फाइल देखिए जरा एनक्रिप्शन ऑफ फाइल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनवॉन्टेड मॉडिफिकेशन मतलब आप कोई भी ये जो एनक्रिप्शन होता है ना फाइल्स का ये मेजरली तब पाया जाता है जब आप एक डिवाइस से किसी दूसरी डिवाइस में किसी इम्पॉर्टेंट फाइल को ट्रांसमिट करते हैं जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप का आप में से ऐसे कितने बच्चे होंगे जो व्हाट्सएप ना चलाते हूँ आज के टाइम पे बहुत से लोग मतलब मैक्सिमम आउट ऑफ टू पर्सन हर एक पर्सन एक व्हाट्सएप यूजर है है कि नहीं है चाहे छोटा बच्चा हो चाहे ओल्ड एज का मेंबर ही क्यों ना हो एक ओल्ड एजड हो या फिर हो एक छोटा सा बच्चा वो क्या करता है वो आज के आज के के टाइम टाइम पे पे तो यूज करना जानता ही जानता ही है तो भाई व्हाट्सएप भी फाइल भेजते हो लिखा आता है ना कि व्हाट्सएप आ रहा है इनक्रिप्शन फीचर के साथ लिखता है कि मतलब आपने किसी भी चैट पे कोई भी फाइल अगर ट्रांसमिट की है तो वो फाइल सिक्योर्ड वे में ट्रांसमिट हुई है उसको अगर एक अनवांटेड यूजर या कह लीजिए हैकर अगर बीच में ही हैक करने की कोशिश करेगा एक नेटवर्क पे तो उसको फाइल तो मिल जाएगी लेकिन वो उस फाइल को अंदर से खोल नहीं पाएगा तोल नहीं पाएगा मरोड़ नहीं पाएगा क्योंकि आपकी फाइल जो एक्चुअल डेटा आपकी फाइल में था वो जो डेटा है वो कहीं ना कहीं एनकोडेड फॉर्म में है मतलब कोडेड फॉर्म में है उसको डिकोड करना किसी भी अनवॉन्टेड यूजर के लिए पॉसिबल नहीं है क्लियर और उस फाइल को सिर्फ और सिर्फ जिस डेस्टिनेशन को आपने पहुंचाया है सिर्फ वही उस फाइल को उसके ओरिजिनल फॉर्म में देख पाएगा तो भाई बीच रास्ते अगर कोई हैकर आपकी फाइल को चुरा भी लेना तो चिंता न की क्यों क्योंकि उसके हाथ अगर फाइल लग भी गई ना पहली बात तो लगती नहीं है इतनी सिक्योरिटी रहती है इतने हैवी फायर रहते हैं कि इतना ईजी नहीं होता किसी भी डेटा को हैक करना लेकिन अगर आउट ऑफ एनी रीजन हैक हो भी गया तब भी आपकी फाइल सेव्ड है पता क्यों क्योंकि आपकी फाइल जा रही है एनक्रिप्टेड फॉर्म में मतलब कि कोडेड फॉर्म में अगर वो उस फाइल के अंदर के डेटा को किसी तरीके से छेड़ना भी चाहेगा तो भी नहीं छेड़ पाएगा क्योंकि उसको मिलेगा वहां पे एनकोडेड फॉर्मेट जो उसको पल्ले ही नहीं पड़ेगा क्लियर सो एनक्रिप्शन ऑफ फाइल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनवांटेड मॉडिफिकेशन कोई एक तीसरा इंसान जो उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहे हो सकता है आपकी आपकी कोई फाइल है आपने ट्रांसमिट करी एच टी टी पी एस मैंने पढ़ाया है क्लास टेंथ में चैप्टर नंबर वन के अंदर हमने देखा है किसके बारे में एच टी टी पी और एच टी टी पी एस के बीच का डिफरेंस देखा है क्या होता है एच टी टी पी एस में जानते हो भाई <coughs> जानते हो कि नहीं जानते हो एच टी टी पी और एच टी टी पी एस में क्या अंतर होता है कि भैया एच टी टी पी होता है एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो आपकी फाइल को इंटरनेट पे मोर सिक्योर्ड वे में ट्रांसमिट कराता है नहीं लेसर सिक्योर्ड वे में ट्रांसमिट कराता है तो एक एच के द्वारा जब कोई एक फाइल ट्रांसमिट होती है या रिक्वेस्ट ट्रांसमिट होती है ओवर द इंटरनेट ऑन टू द वेब तो वो ज्यादा वॉल्यबल होती है फॉर मैलवर्स या फिर आपके हैकर्स के लिए वो इजिली उस फाइल को हैक कर सकते हैं और मेनिपुलेट कर सकते हैं लेकिन वही अगर आपने अपनी रिक्वेस्ट को अपनी अपनी फाइल को एच की हेल्प से अगर ट्रांसमिट कराया है ओवर द इंटरनेट दैट इज हाइपोटेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल इन अ मोर सिक्योर्ड वे या इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है कि सिक्योर हाइपोटेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो वही फाइल आपकी इंटरनेट पे एनक्रिप्टेड फॉर्म में मतलब कोडेड फॉर्म में में ट्रांसमिट होगी होगी और कब तक जब तक desired destination तक जब कि डेस्टिनेशन वो ना पहुंच जाए अगर एक बीच अनवांटेड हैकर उसको चुरा भी लेगा ना तब भी उस फाइल का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्लियर हुआ चले भाई अनवॉन्टेड मॉडिफिकेशन नहीं होगा तो पहला कंसर्न तो आपका यही है कि डिलीशन ऑफ योर फाइल बाय सम समाइज पर्सन या फिर सॉफ्टवेयर यहां पे जो अनऑथोराइज पर्सन है वो एक हैकर हो सकता है और जो सॉफ्टवेयर है जो मुझे नहीं चाहिए वो हो सकता है एक मालवेयर क्लियर हुआ चलिए आगे बढ़ने फिर <coughs> चलो सेकंड जो हमारा कंसर्न है सेकंड जो हमारा कंसर्न है भैया पहला कंसर्न है डिलीशन का आपकी फाइल का डिलीशन किसी हैकर के थ्रू या किसी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ठीक है पर हम सबको पता है कि एक डिलीटेड फ़ाइल को आप रिकवर भी कर सकते हैं कहने को हमारे सिलेबस में नहीं है कि हम रिकवरी कैसे कर सकते हैं क्या क्या ऐसे मेकेनिज़म्स हैं क्या क्या ऐसे मेजर्स हैं जिनकी हेल्प से आप रिकवरी कर सकते हैं एक डिलीटेड फ़ाइल की आप नहीं जानते हैं लेकिन ये जो हैकर होते हैं ना ये बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई टेकी लोग होते हैं इनको बहुत कुछ पता होता है टेक्निकलिटीज़ के बारे में तो भाई डिलीशन तो ये कर सकते हैं तो एज वेल एज डिलीशन के साथ साथ ये किसी भी डिलीटेड फाइल की रिकवरी भी कर सकते हैं मतलब अगर आपको ऐसा लगा कि कोई एक फाइल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उस सेंसिटिव फाइल को किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है आपने पहुंचा दिया ठीक है मैम कोई दिक्कत नहीं भैया हमारे यहाँ दो तीन ऐसी एजेंसीज हैं जो बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा क्लैंडस्टाइन तरीके से बहुत ही ज्यादा छुपे रस्तम तरीके से काम करती हैं जैसे कि रॉ हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो भी अब क्योंकि हर एक आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी का ध्यान रखती है रॉ है एक हमारा सी है हमारा एन है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है कि नहीं तो मतलब ये कुछ ऐसी एजेंसीज हैं हमारा आर्मी है हमारा डिफेंस है ऐसी एजेंसीज ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही क्रूशल क्रूशल डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं अब भाई कोई एक डेटा था किसी यू you नो know, आगे होने वाले बैटल के बारे में था दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में वो डेटा जो है वो ट्रांसमिट हुआ ठीक है मैम ट्रांसमिट हो गया अब उस डेटा को किसी तीसरे हाथ में नहीं लगना चाहिए इसके लिए क्या किया कि यहां से जहां से वो जिस डिफेंस एकेडमी से वो डेटा गया हुआ था वहां से उसको डिलीट कर दिया उन्होंने अपने सिस्टम से और उन्हें लगा कि भैया मैंने अपने सिस्टम से डिलीट कर दिया जिसको ट्रांसमिट करना था उस तक पहुंच चुका जिस ऑर्गेनाइजेशन तक भेजना था उस तक पहुंच चुका मैंने यहां से डिलीट कर दिया अब भैया हमारा डेटा सिक्योर है पर नहीं भाई एक अनऑथराइज पर्सन जब आपके डेटा को हैक करके या अनऑथराइज सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में पड़े हुए डेटा को डिलीट कर सकता है तो बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स या रिकवरी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए वही हैकर और वही सॉफ्टवेयर आपके डिलीटेड डेटा को वापस रिकवर भी कर सकता है क्या होता है रिकवरी ऑफ डेटा बाय बायथराइज यूजर और सॉफ्टवेयर जो आज के टाइम पे सबसे बड़ा कंसर्न है ये सबसे बड़ा कंसर्न है ये सीरियसली है देखते हैं क्या है इसमें वी डिस्कार्ड आर ओल्ड ब्रोकन और malfunctioning फंक्शनिंग स्टोरेज डिवाइसिंग दैट द कॉन्टेंट्स ऑफ द डिलीटेड फाइल्स आप परमानेंटली रिमूव हम क्या करते हैं हमारे पास कोई पुरानी हार्ड डिस्क रखी होगी या कोई पुरानी पेन ड्राइव रखी होगी वो इतनी अब चलती नहीं है उसमें कुछ दिक्कत आ गई मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया हटा दिया हटा दू फेंक दू कहीं हार्ड डिस्क थी ज्यादा एमबी की नहीं थी ज्यादा वन टेराबाइट की हार्ड डिस्क आती है तो सबसे कम जो स्टोरेज कैपेसिटी है हार्ड डिस्क की अब तो बहुत बड़े बड़े टेराबाइट की हार्ड डिस्क हमको अवेलेबल है लेकिन सबसे छोटी जो आपकी कैपेसिटी है हार्ड डिस्क की वो आज के टाइम पे भी वन टेराबाइट है भाई <coughs> और अब सिर्फ वन टेराबाइट की हार्ड डिस्क नहीं आती है फाइव की भी आती है सोलह की भी आती है भैया टेराबाइट में बात हो रही है गीगाबाइट मेगाबाइट किलोबाइट की तो बात ही नहीं हो रही है टेराबाइट की बात हो रही है और 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी गीगाबाइट्स 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1024 गीगाबाइट्स होता है तो मतलब कितनी स्टोरेज है एक हार्ड डिस्क के अंदर अब भाई वो हार्ड डिस्क थी अच्छे से काम कर रही थी उसमें मैंने बहुत सारा डेटा रखा था अपने सेंसिटिव डेटा रखा था जैसे कि मेरे बैंकिंग डिटेल्स मेरा पासवर्ड आईडी मेरा यूजर नेम मेरा पासवर्ड मेरा ट्रांजैक्शन पूरा डिटेल रखा था मेरे बैंक के ट्रांजैक्शंस मेरे लोन्स के जो पेपर हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी रखी थी यहाँ तक कि मेरी यू की जो आई है मैं बहुत बेकार हूँ मुझे चीज़ें याद नहीं रहती मैंने अपनी यू पी को एक नोट में यू you नो know, नोट होता है उसमें एक फाइल के रूप में यू पी आई को बना के रखा था और आज के टाइम पर जब हम इतना ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो यूपीआई आईडी याद होना बहुत कॉमन हो गया है लेकिन कुछ लोग हैं जो याद नहीं रख पाते हैं तो वो एक फ़ाइल बना के रख लेते हैं अब आप कोई आपका फ़ोन हैक कर ले आप पेटीएम यूज़ करते हो गूगल पे यूज करते हो उसने आपका फ़ोन हैक कर लिया आपका पेटीएम हैक कर लिया वहाँ जाके उसको आपकी यू पी मिल गई आपके हार्ड डिस्क में उसने वो डाल दिया और अपने पूरे के पूरे अकाउंट में आपके पैसे उसने ट्रांसफ़र कर लिए कर सकता है तो मतलब आपने क्या किया आपने अपने हार्ड डिस्क में इतने सेंसिटिव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाल के रखी थी अपने पर्सनल पर्पज के लिए अब कल के दिन आपको उस हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं आपने क्या किया सीधा गया अपने हार्ड डिस्क पे अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगाया और उसके अंदर जितना भी डेटा था उसको डिलीट कर दिया सेलेक्ट किया साथ में डिलीट ऑप्शन पर क्लिक किया डिलीट हो गया आपके लिए वो डिलीट हो गया होगा डिलीट कर दिया डिलीट करके उसको ऐसे ही फेंक दिया उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो उसको डस्टबिन में डाल दिया और छोड़ दिया अच्छे से डिस्पोज भी नहीं किया तोड़ा भी नहीं और एक बात और बता दूं अगर किसी स्टोरेज डिवाइस को या किसी भी डिवाइस को अगर आप तोड़ भी देते हो ना अच्छे से चकना चूर भी कर देते हो उसके बाद भी ये हैकर्स इतने स्मार्ट होते हैं कि उन्हें पता है कि एक टूटी हुई डिवाइस से भी डेटा कैसे रिकवर किया जाता है अब सोच लो कि आज के टाइम पे डेटा जो इतना इंपॉर्टेंट इतना क्रूशल एलिमेंट है उसको डिलीट करना तो छोड़ो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डेटा मैंने खुद की सिक्योरिटी के लिए डिलीट कर भी दिया जान के उसकी रिकवरी की भी अब हमें चिंता करनी है कि भाई उसको अगर मैंने अपनी तरफ से हटा दिया किसी तीसरे गलत इंसान के हाथ वो लग गया तो वो मेरे डेटा के बारे में क्या क्या नहीं जान सकता उसको रिकवर करके क्या फायदा हुआ मैंने डिलीट करने का है बात तो देख लेते हैं देखो वी डिस्कार्ड आर ओल्ड ब्रोकन एंड मैल फंक्शनिंग स्टोरेज डिवाइस हमें लगा कि पुरानी हार्ड डिस्क है पुरानी पेनड्राइव है क्या करना है इसका दो ठीक है हमें लगा कि भैया टूट चुकी है देखो भाई ब्रोकन पे भी आ गया है कि भाई टूट चुकी है मैं बैठ गई उसी पर वैसे मेरे बैठने पर टूटेगी तो नहीं इतनी ज्यादा फैट भी नहीं हूं मैं लेकिन ठीक है या कोई बहुत ही फैट आदमी था या कोई चीज या फिर वो मेरे यू नो फिफ्थ फ्लोर से नीचे गिर गई किसी भी वजह से वो टूट गया स्टोरेज डिवाइस था चाहे हार्ड डिस्क हो चाहे पेन ड्राइव हो कुछ भी हो फ्लॉपी तो अब यूज़ ही नहीं होती सीडी का भी ज़माना चला गया भाई आज के जो डेस्क आते हैं आज के डेस्कटॉप्स में भी सी ड्राइव नहीं होती है पहले के जो कैबिनेट्स आते थे उसमें सी ड्राइव आई पहले के लैपटॉप्स में भी थोड़ा सा सीडी ड्राइव आई लेकिन आज के डेस्कटॉप्स में भी सीडी ड्राइव बहुत कम ऐसे डेस्क टॉप्स हैं टच स्क्रीन जो सीडी ड्राइव देते हैं नहीं तो वो भी नहीं देते हैं है ना तो पुरानी कोई सीडी डली होगी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपका डेटा होगा आपने ध्यान नहीं दिया उसको तोड़ा आपने तोड़ा ऐसी बात नहीं है तोड़ दिया उसके अंदर का डेटा भी आपने हटाया उसको तोड़ भी दिया और उसके बाद उसको फेंक दिया तब भी आपका डेटा सिक्योर नहीं है अब देख लो मतलब कि आपकी ओल्ड आपकी ब्रोकन और आपकी मैल फंक्शनिंग ना ही वो टूटी हुई थी ना ही वो ओल्ड थी पर वो काम नहीं कर रही थी ढंग से उसमें कोई ऑफ द डिलीटेड थी तो आपने, devices, that the of the files, कि आपने उसके अंदर जो फाइल डिलीट की है वो पूरी तरीके से हट चुका है द डिलीटेड डेटा कैन बी रिकवर बाय कौन है भैया ये मिसचीफ मंगर्स जानते होगा जल्दी बता दो मिसचीफ मंगर्स वो लोग जो आपके डाटा के साथ खेलना पसंद करते हैं वो लोग जो आपके ओवर कॉन्फिडेंस को बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि भाई ये सोच रहा है कि इसने सेकेंडरी डिवाइस अपनी हार्ड डिस्क तोड़ दी डाटा उसमें से डिलीट कर दिया और उसने डस्टबिन में, में फेंक दी मैं हूँ एक हैकर चलो मान लो मैं एक हैकर हूँ भाई मैं एक हैकर हूं मेरे को देख गया कि भाई तूने अपना जाके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अपने डिलीट मार के फेंक दी रस्मिन में मैं गई अब तुमको उससे कोई मतलब है नहीं मैं गई हूँ मैंने उसको उठा लिया टूटा हुआ था लेकिन मुझे पता है कि कैसे इसमें से रिकवरी लेनी है उस डिलीटेड डेटा की क्योंकि मैं एक हैकर हूँ मैं टेक्निकल वर्ल्ड से जुड़ी हुई हूँ मुझे वो सारे कोड पता है जिनकी हेल्प से मैं एक डिलीटेड डेटा को एक ब्रोकन डिवाइस से भी रिकवर कर सकती हूँ तो मैम ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करें ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते थे डिलीट करके उसको ब्रोक ही तो कर सकते थे इतनी तरीके से ब्रोक कर सकते थे कि कोई भी उसको रिकवर नहीं कर पाए तो करना कुछ नहीं है करना क्या है चलो बताते हैं दिस कंसर्न कैन बी मिटिगेटेड बाई यूजिंग प्रॉपर टूल्स टू डिलीट और श्रेड डेटा बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ एनी ओल्ड और फॉल्टी स्टोरेज डिवाइस अब ये चीज पढ़िए और आप मुझे बताएंगे कि इसमें लिखा क्या हुआ है चले जल्दी से हां जी भाई तो देखा क्या और बताया क्या किसी ने मुझे बिल्कुल मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चीज़ को पढ़ने के बाद आपने मुझे ज़रूर बताया होगा कि मैम वो कौन से मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए इतनी क्रिटिकल एंड क्रूशल सिचुएशन से निकलने के लिए बाई कोई भी आपका ओल्ड सीडी होगा या ओल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होगा उसको आप फर्दर यूज़ करना पसंद नहीं करेंगे कोई भी चीज़ जो आपकी ब्रोक हो गई होगी या टूट गई होगी आउट ऑफ एनी रीज़न आपने जानबूझ के तोड़ दी हो या धोखे से आपसे टूट गई हो आउट ऑफ एनी उसको भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम इतने ज़्यादा टेक्निकल नहीं हैं और किसी भी मैल फंक्शनिंग स्टोरेज डिवाइस को सुधरवाने से अच्छा हमको ये लगता है कि भैया जितना इसमें कॉस्टिंग जाएगी उसमें थोड़ा और मिला के एक नई डिवाइस ही ले लें होता है ये चीज़ें आप इतना कंसिडर नहीं करते हैं लेकिन ये जो समस्या है ये जो आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम है इतनी बिगर प्रॉब्लम है भाई एक अनऑथोराइज पर्सन या एक अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर के द्वारा हमारे क्रोशियल डेटा का डिलीशन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रिकवरी ऑप्शन की हेल्प से मैं उसको रिकवर कर सकती हूँ लेकिन एक ऑलरेडी डिलीटेड डेटा को फिर से किसी अदर पर्सन जो कि अनऑथोराइज है जो मेरे लिए गलत सोच रहा है उसके द्वारा रिकवर कर जाना ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ी समस्या है तो ऐसे में क्या करना है एक खराब एक ओल्ड और एक मैल फंक्शनिंग डिवाइस को यूज़ करने का मैं आपको सजेशन तो दूंगी नहीं कि एक पुरानी हो चुकी है उसमें इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है नहीं लेकिन तब भी कि वो किसी ऐसे के हाथ ना लग जाए उसमें मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था मेरे बैंक की डिटेल थी मेरे बैंक का अकाउंट नंबर ये सब था तो मैं उसको फेंक नहीं रहा हूँ ठीक है एक टूटी हुई डिवाइस को रखने का मैं बिल्कुल आपको सजेशन नहीं दूंगी और एक ऐसी डिवाइस जिसमें आप इतना कॉस्टिंग करे जा रहे हो इतना मेंटेनेंस उसका बढ़ाए जा रहे हो कि भैया उसमें थोड़ा और लगा के एक नई डिवाइस आप ले सकते थे विथ बेटर फेसिलिटीज एंड बेटर फीचर्स तो ऐसे में मैं आपको इस्तेमाल करने के लिए बोलूंगी क्या कुछ ऐसे टूल्स कैसे भाई प्रॉपर टूल्स कुछ ऐसे प्रॉपर टूल्स आते हैं हमारे इंटरनेट पे जिनकी हेल्प से आप अपने स्टोरेज डिवाइसेस को डेटा को और भी अच्छी तरीके से डिलीट कर सकते हैं कुछ टूल्स की हेल्प से कुछ ऐसे टूल्स हैं कुछ ऐसे डिलीशन टूल्स हैं इंटरनेट पे अवेलेबल जिनको ईजिली डाउनलोड करके आप अपनी स्टोरेज डिवाइस को डिस्कार्ड करने से पहले डिस्पोज करने से पहले उन टूल्स की हेल्प से उस डिलीट उस डेटा को अगर डिलीट करेंगे और फिर उसको डिस्पोज करेंगे तो वो डेटा चाहे किसी के भी हाथ लगेगा ना या वो डिवाइस किसी के भी हाथ लगेगा लेकिन प्रॉपर टूल्स के द्वारा उसके डेटा को डिलीट किया गया होगा तो वो डेटा एक अनऑथराइज पर्सन भी एक्सेस या रिकवर नहीं कर पाएगा क्लियर हुआ तो भैया सोल्यूशन मिल गया मिल गया सोल्यूशन भाई और अगर आप जानना चाहते हैं उन टूल्स के बारे में भैया दो चीजें यहां पे आज हमने डिस्कस की हैं। किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है मैंने डिस्कस किया है कि भाई अगर आप जानना चाहते हैं वेरियस डेटा रिकवरी ऑप्शन के बारे में तो पिन कीजिए मुझे कॉमेंट सेक्शन में और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे सिनारियों में जहां पर मैं किसी भी स्टोरेज डिवाइस को डिस्पोज करना चाहती हूँ डिस्कार्ड करना चाहती हूँ आउट ऑफ एनी रीजन कि वो पुरानी हो चुकी है वो टूट चुकी है या मैल फंक्शन हो चुकी है तो ऐसे में वो कौन कौन से प्रॉपर डिलीशन टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने डेटा को किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के डिस्पोज करने से पहले इजीली तरीके से और बहुत ही सिक्योर तरीके से डिलीट कर सके अगर इन दोनों के बारे में आप और भी ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो जाइए कमेंट सेक्शन में फटाफट से पिन कीजिए मुझे और बताइए जितना ज्यादा मेजोरिटी होगा उतना ज्यादा मैं स्टिमुलेट हूँ इस वीडियो को बनाने में तो भाई इसी के साथ साथ इतना और सुनते जाओ कि भाई मैगर आपका अपना ही है भाई क्योंकि आप है ही हम है ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो और बहुत फायदा उठाते हो इस चीज का क्यों क्योंकि मैम हमको तो आप सब कुछ फ्री में दे रहे हो हम सब्सक्राइब नहीं कर रहे गलत है ना हम आपके लिए इतना एफर्ट डाल रहे हैं इतना एफर्ट डाल रहे हैं। आपको मैं वो भी बता रही हूं जो हम आपको बुक में नहीं दे सकते या बुक में वो चीजें आपको नहीं मिली होंगी तो थोड़ा बहुत एफर्ट तो आपको डालना चाहिए ना सब्सक्राइब भी तो करने को कह रही हूं सब्सक्राइब कीजिए मैंगर बीन्स के ऑफिशियल चैनल को और बन जाइए मैंगर बीन्स की अमेजिंग फैमिली का एक बहुत ही वैल्यूबल पार्ट जाइए बेल आईकॉन पे उसको क्लिक कीजिए ऑल पे क्लिक करना भाई क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक भी क्वालिटी वीडियो मिस करें जब भी एक क्वालिटी वीडियो डलें चाहे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का या कंप्यूटर साइंस का या किसी भी अदर सब्जेक्ट का वो हर एक वीडियो आपके नॉलेज में जरूर होना चाहिए और इसी के साथ साथ हमारी जो वेबसाइट है दैट इज डब्ल्यू 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 डॉट माइगेट बीस डॉट कॉम वह सारे टॉप कोर्सेज भी लेके आया है एक बार देख लें क्या आप चले देखते हैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्पोकन इंग्लिश सी ओ एट एन टी एस सी ओलंपियाड सीबीएससी हिंदी मीडियम आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीबीएसई बोर्ड को हिंदी मीडियम में आपको पढ़ा पढ़ा देगा हम पढ़ा रहे हैं देखिए ना हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम में सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एमपी बोर्ड और इतना ही नहीं है इससे न जाने कितने ही ऐसे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे और तो और हम आपको देते हैं हर सब्जेक्ट की ई बुक एंड ई नोट भी ना ही मार्केट जाने की दिक्कत है ना ही किसी एक्सटर्नल साइट पर जाने का टंटा किंडर गार्डन से लेके क्लास ट्वेल्व तक पूरा स्कूल हम यही ले आए हैं भाई ना ही मार्केट जाओ ना ही किसी एक्सटर्नल साइट पे जाओ हम आपके लिए इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट लेके आते हैं तो बुक भी ले आए हैं हम आपके लिए लाए हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स भी हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के हर टॉपिक के ई e नोट आपको मिल जाएंगे बिल्कुल मिलेंगे भाई बिल्कुल मिलेंगे पूरी पूरी बुक पढ़ने का सजेशन मैं खुद नहीं दूंगी क्योंकि पूरी बुक पढ़ के कभी किसी का भला नहीं हुआ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही ध्यान देना चाहिए तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ई e नोट्स के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आपको मिलेंगे वो लिंक्स जिन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं मैंगरबेन्स के उस वेब पेज पर जहां पे आपको बहुत सारी ई e बुक्स और ई e नोट्स मिल जाएंगे तो सोच क्या रहे हैं भाई सब्सक्राइब तो अब कर दिया होगा तो भैया लाइक भी कर दो इस वीडियो इस वीडियो वीडियो को को लाइक करिए बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना अच्छा था मैम खांसी से भरा हुआ था ये बात मैं जानती है सॉरी आई एम रियली रियली सॉरी क्योंकि मेरा थोड़ा अभी गला खराब चल रहा है लेकिन हम भी ह्यूमन बींगस हैं लगी रहती है ये चीजें लेकिन आपको पढ़ाना मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है तो थोड़ा सा ना मेरी खांसी से हल्का सा बैर कर लेना और भैया जाते जाते शेयर करते जाओ इस वीडियो को क्योंकि आप जानते हो कि भाई शेयरिंग इज केयरिंग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में स्टेट